अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे, ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो मैं पिज़्ज़ा की लेके आई हूँ। चिकन फजीता बनाने लगी हूँ आपके लिए। सबसे आसान फ्रेंड्स वो तवे पे बनाना आपको सिखाऊंगी। उसके लिए बिल्कुल भी आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो जो चीज़ें चाहिए वो देख लें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, ये मैंने एक पाव के करीब लिया है चिकन बोनलेस, उसके मैंने छोटे छोटे क्यूब्स काट लिए। 1 टेबलस्पून मैंने चिली फ्लेक्स लिए, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून इसमें सॉल्ट जाएगा, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। ये मैंने वो लहसुन पीसा है, इसको 1 टेबलस्पून ये है, और 4 टेबलस्पून इसमें मैंने योगर्ट डाला है, और 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। फ्रेंड्स, इसको मैं मिक्स करके इसको पकने के लिए रखूंगी, बाद में पिज्जे की डो तैयार करेंगे। ये देखिए, मैं इसको सब चीजों को अच्छे से मिक्स करके इसको मैं चूल्हे पे रखूंगी इसको पकने के लिए। उतनी देर तक मैं डो रेडी कर लेती हूँ पिज्जे की। ये देखिए, देखिए इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। ये तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर हमारा चिकन रेडी हो जाएगा। बिल्कुल आपने मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है ताकि ये अच्छे से गल जाए। साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने चम्मच भी इसको चलाते रहना है। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर पका के आप इसको लो फ्लेम पे, बिल्कुल इसको दम वाली जो आग होती है उस पे आपने इसको पकाना है ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। मैं इसको करूंगी कवर। ये देखिए, अब मैं इसको पकने दूंगी तकरीबन 20 मिनट तक। उतनी देर तक मैं पिज्जे की डो तैयार कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने मैदा लिया है, व्हाइट फ्लावर, ये मैंने 4 कप लिया है। मैं 2 पिज्जे रेडी करूंगी तो मैंने ये वाला कप, ये देखिए आम जो इसका स्टैंडर्ड साइज होता है वो मैंने 4 कप मैदा लिया। इसमें मैं 2 टीस्पून ईस्ट डालूंगी ड्राई। ये मैंने इंस्टेंट ईस्ट लिया है, साशा है, ये देखिए 2 टीस्पून ईस्ट, यानी कि 2 कप में 1 टीस्पून ईस्ट जाएगी। मैंने 2 पिज्जे का लिया है, 4 कप है तो मैं 2 टीस्पून डालूंगी। 1 टीस्पून चीनी ऐड करूंगी। वन टीस्पून नमक। इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून मैं कुकिंग ऑयल डालूंगी, और इसके लिए चाहिए होगा हमें नीम गर्म पानी इसको गूंदने के लिए। इसमें ज़्यादा चीज़ों की नहीं ज़रूरत फ्रेंड्स। काफ़ी लोग इसमें मिल्क पाउडर भी डालते हैं, अंडा भी डालते हैं, लेकिन मैं वो कोई चीज़ नहीं यूज़ करूँगी, लेकिन रिजल्ट इसका बहुत अच्छा आएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने पहले, देखे अभी इसमें मैंने पानी नहीं शामिल किया, पहले मैं सारी चीज़ों को ऐसे ही मिक्स करूँगी पानी के बगैर। फ्रेंड, मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी, इसमें किसी ओवन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। 2 तरीके से बनाना सिखाऊंगी आपको, एक तवे पे और एक आप एक्स्ट्रा कोई आपके घर देख जाओ वो आप उसके अंदर पत्थर रख के उसको गर्म करके उसमें भी आप बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी शामिल करेंगे, ये गर्म पानी है, नीम गरम। थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको ये देखिए मैंने गूंद लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाऊंगी
ताकि ये और सॉफ्ट हो जाए। मैं अपने हैंड को थोड़ा सा ग्रीस करूंगी ऑयल के साथ ताकि ये हैंड के साथ चिपके नहीं। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है, ये देखें, ये देखिए। अब मैं इसको कवर करूंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल रेडी है। इसको मैं 15 मिनट के लिए कपड़े के साथ कवर करूंगी, इसको रेस्ट दूंगी 15 मिनट के बाद। ये देखिए, कोई किसी भी कपड़े के साथ आप इसको कवर कर सकते हैं, प्लेट के साथ कवर कर सकते हैं। इसको मैं ओवन में रखूंगी गर्म जगह पे ताकि इसमें जल्दी से खमीर उठे तो हम अपना पिज्जा रेडी कर सकें। देखिए फ्रेंड्स, चिकन भी रेडी हो चला है। ये देखिए, इसमें से बड़ी मज़े की एक खुशबू सी आ रही है। इसको मैं अब लो फ्लेम पे 5 मिनट पकाऊंगी ताकि ये जल जाए। कवर करके इसको बिल्कुल दम वाली आग पे 5 से 7 मिनट तक इसको पकाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, चिकन बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, ये देखिए गल गया है। और पिज्जे की डो भी बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, ये देखें, ये देखें, सॉफ्ट हो गई है, ये खमीर आ गया इसमें। अब मैं इसको, पहले हम इसकी पेस्ट तैयार कर लेते हैं जो पिज्जे के ऊपर लगेगी। ये देखें, मैंने सिंपल केचप ली है, कोई मैंने पिज्जा सॉस या कुछ भी पेस्ट नहीं ली, मैंने सिंपल केचप ली है। इसमें मैं थोड़ा सा ओरिगानो मिक्स करूंगी, 1/2 टीस्पून। मैंने ये वाला ओरिगानो लिया था, ये मैंने 1/2 टीस्पून केचप के अंदर ऐड किया। इसको मैं करूंगी मिक्स। ये देखिए, ये भी हो गया। ये मैंने वेजिटेबल ली थी पिज्जे के ऊपर डालने के लिए, थोड़ी सी शिमला मिर्च काटी है इतने इतने साइज की, थोड़ा सा प्याज लिया है, ये कॉर्न है, ये देखिए, ये फ्रेंड्स, इसके टॉपिंग के लिए मैंने कॉर्न लिया है सिट्टा, उसके दाने हैं, ये थोड़े से ऑलिव्स लिए हैं, और ये दादड़ मिर्च है जो ऊपर से स्प्रिंकल करूंगी। ये चीज़ ली है मैंने, ये देखिए, कोई सी भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, चेडर, मोज़रेला, कुछ भी, मैंने चेडर चीज़ ली है। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं पिज़्ज़ा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक पेड़ा लिया है बड़े साइज़ का, जितने साइज का आप पिज्जा बनाना चाहें। एक मैंने हाफ कर लिया है मैदे का, मैंने 2 पिज्जे का गूंदा था आटा, तो मैंने उसमें से हाफ करके एक पेड़ा बना लिया। ये देखिए, अब मैं इसको थोड़ा सा हाथ से पहले शेप दूंगी, एक गोल रोटी के जैसी, थोड़ा सा खुशक मैदा लगाऊंगी। अब मैं इसको बेलन से बेल के इसको रोटी बनाऊंगी। बिल्कुल गोल रोटी बनानी है। ये भी मोटी है, इसको आपने बिल्कुल बारीक करना है, किनारों से भी। ये देखिए, अब मैं, क्योंकि आपको ये मैं तवे पे बनाना सिखा रही हूँ, तो मैं तवे को लेके आती हूँ। इसको मैंने, देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने ऑयल ग्रीस किया है बिल्कुल हल्का सा, अभी मैंने इसको गर्म नहीं किया, ये ठंडा ही है।
ये देखिए, अब मैं इसके ऊपर, ये देखिए मैं इसको अब हाथ से थोड़ा यूं प्रेस करके इसको, देखिए फ्रेंड्स इसको मैंने ये सब साइड से, ये देखिए हैंड से प्रेस करके इसको शेप दे लिए। अब ये एक फोक लेंगे, ये देखिए उससे मैं, ये देखो ऐसे जैसे नान को वो उससे लगाते हैं फोक से, उसके सुराख करते हैं, ये देखिए मैंने निशान बना लिए उसके, ये देखिए। अब जो मैंने पेस्ट बनाई थी वो लगाऊंगी इसके ऊपर, फ्रेंड्स देखिए इसको मैंने पेस्ट लगा लिया जो मैंने बनाई थी। ये देखिए अब मैं चिकन के छोटे साइज करूंगी, ये देखिए सब साइड पे पिज्जे की आप इसको चिकन डाल लें एक जैसा, ये देखिए। देखिए फ्रेंड्स चिकन मैंने डाल दिया, इसको थोड़ा सा हाथ के साथ प्रेस कर लें, ये देखिए। अब वेजिटेबल वो भी ऐसे ही फैला लें आप, ऑनियन वो भी ऐसे ही फैला लें, अब मैं इसके ऊपर चीज़ क्रश करूंगी। मैंने एक बड़ा ब्लॉक लिया था, मैंने उसमें से कट करके, ये देखिए ऐसे आप क्रश करके डालते जाएं इसके ऊपर, सब साइड से कवर कर लें। फ्रेंड्स देखिए चीज़ मैंने सारे इसके ऊपर इसको कवर कर दिया, फैला लिया सारी, डाल दिया। ये देखिए कॉर्न मैं डालूंगी थोड़ा सा, ये देखिए ऑलिव्स कहीं कहीं, और ये चिली फ्लेक्स ऊपर टॉप पे जाएंगे। अब इसको मैं चूल्हे पे रखने लगी हूँ, ये देखिए। देखिए फ्रेंड्स इसको मैंने चूल्हे पे रख दिए, पहले 2-3 मिनट मैं इसको हाई फ्लेम पे रखूँगी, फिर बिल्कुल दम वाली आग कर दूँगी और इसको कवर करूँगी ये शीशे के कैप के साथ। आपके पास कोई सा भी कैप हो आप रख सकते हैं। इसको कवर कर दिया मैंने, पहले 2-3 मिनट आपने हाई फ्लेम रखना है इसका, उसके बाद आपने बिल्कुल इसको दम वाली आग पे बनाना है तकरीबन 12 से 15 मिनट तक। फ्रेंड्स देखिए ये हीट अप हो गया, अब मैंने इसका फ्लेम देखिए कितना सा मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया, ये देखिए अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है, ये देखिए फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए, इस 10 से 12 मिनट तक इंशाल्लाह पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। फिर मैं आपको सर्व आउट करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स इसको 10 मिनट हो गए हैं, मैं इसको चेक करती हूँ, इसका कैप हटाऊंगी, ये देखिए कितना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा रेडी हो गया है, तवे पे भी, ये देखिए नीचे से भी इसको कुक हो गया है। फ्रेंड्स देखिए अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, देखिए फ्रेंड्स इसको मैंने पिज़्ज़ा ट्रे में, ये देखिए माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत पिज़्ज़ा बना है। देखिए फ्रेंड विदाउट ओवन विदाउट कुछ भी, देखे मैंने इसमें यूज़ नहीं किया, तवे पे इतना अच्छा पिज़्ज़ा बन गया। फ्रेंड्स आप भी घर में बना सकते हैं, बाहर से तो बहुत एक्सपेंसिव मिलता है। अब मैं इसको कटिंग करूँगी, ये देखिए मैंने पिज़्ज़ा कटर लिया है, इसके स्लाइसिस बनाऊँगी। ये देखिए इसके
ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए ये पिज़्ज़ा, ये देखिए बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।